अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुंज लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में भी भाई ईद मिलन पार्टी होती है हर स्कूल में। मैं तो खैर आराम से घर में बैठी थी तो मेरी फ्रेंड जो फरिया है उसने मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ, मैं यहाँ जीन अगस्तिन स्कूल आई हूँ जो कि मिसिस सागा रोड और बवेट पे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आ जाओ, अच्छा लगेगा, बच्चों को भी ले आओ। पहले मैंने सोचा कि मैं तो बहुत थकी आई हूँ, अभी जॉब से आई थी 4 बजे, तो अभी मैं 5:30-6 का टाइम था। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि अगर मैं आ जाऊँ तो। मैंने सजा से बात की तो उसने मुझे ये भी कहा कि तुम व्लॉग बना लो, तुम्हारे ये जो सब्सक्राइबर उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि देखो कनाडा में रह के इस तरह स्कूल्स में मतलब कितनी यहाँ पे आज़ादी है कि आपको यहाँ पे कोई किसी मज़हब पे या किसी त्यौहार पे कोई आपको पाबंदी नहीं है। आपका जो दिल चाहता है आप वही कुछ सेलिब्रेशन करते रहो। आगे भी 27 तारीख को आई थिंक किसी चिनकुजी पार्क या किसी एक पार्क में ईद का शो आ रहा है, उस पर भी मैं देखूँगी, क्योंकि अगर मेरी जो है तो मेरी जॉब है 4 बजे तक, तो फिर 1 घंटे में तैयार होकर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखूँगी फिर भी ना। तो यहाँ पे खैर हम लोग पहुँच गए वहाँ से। यहाँ पे अरूज मेरी फ्रेंड है वो भी आई हुई थी, साथ फरिया भी थी, उनसे भी मुलाकात हुई। तो खाना जो था ये तो कुछ फ्री खाने थे बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे कि ये बटर चिकन, वाइट राइस, चॉकलेट केक और वनीला केक और टॉर्ट और चीज़ के छोटी छोटी पेस्ट्री सी थी, चाय और फिर ये लेमन और सोडा ये भी था, और ये सब फ्री था। तो कुकीज़ वगैरह भी थे बच्चों के लिए, जूसेस थे, मिनरल वाटर भी था, और बच्चों को कैंडीज़ वगैरह भी दी जा रही थी, ओरियो कुकी था, मतलब काफ़ी कुछ ये स्कूल के अंदर ना। तो सब लोग खा रहे थे माशाल्लाह से, इतना खुला खाना पीना, ये पानी की बोतलें भी वो रख रहे हैं, ये भी सब समोसे भी थे, सच्ची समोसे भी थे और भी बहुत कुछ था, चिकन टिक्के भी थे वो भी फ्री में दे रहे थे। ये अंदर ये चीज़ें तैयार कर रहे थे खाने पीने के, फिर इस तरह ये लड़के जो वॉलंटियर वाले थे वैसे बाहर लेकर आके सबको दे रहे थे। तो ये भी अभी कोई अरबी किस्म के राइस थे ये वाले वो थे, तो खैर बहुत अच्छे ज़्यादा खाने थे, कुछ पैसों के भी थे, जैसे भी आपको दिखाए मैंने गोलगप्पे थे वो पैसों के थे, वो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ने अपने अपने स्टॉल भी लगा रखे थे, तो कुछ खाना पैसों का था, कुछ खाना जो था वो फ्री था। तो खैर यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चों ने इस तरह आए हुए थे। पहले तो आपको ये बताती हूँ कि ये छोटी छोटी पीता ब्रेड, इसके अंदर चिकन डाला हुआ था, इतना ये मज़े का गर्म गर्म फ्रेश फ्रेश ये लोग लेकर आ रहे थे अंदर से। तो साथ ही आपको दिखा रही हूँ चॉकलेट केक ये भी था, और मतलब बड़ा बहुत कुछ अच्छा खाना, बड़ा मज़ा आया। 1.5 घंटा ही हमने इधर गुजारा है लेकिन बड़ा अच्छा। मुझे आपको भी बल्कि स्कूल से भी मेल आती होगी कि डिफरेंट स्कूल्स में ईद की पार्टीज़ हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, रिजर्वेशन करवा लो तो अच्छा लगता है, उस पर करवा लिया करो। मुझे भी ये फ्लेचर से और इधर उधर स्कूल से कुछ ई मेल आई थी कि ईद पार्टी है, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी, मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए जब मैं यहाँ गई मुझे अच्छा लगा जाके, बहुत अच्छा, इन्होंने ईद मुबारक का सारा बैनर लगाए हुए और सजावट की हुई, बलून्स लगाए हुए, और बहुत अच्छा लगा। और हर मुल्क के जैसे लेबनीज लोग थे और डिफरेंट मुल्कों के लोग जो थे ना, नाइजेरियन हो गए हैं, पाकिस्तानी भी थे, सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे जो मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा थे, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे हमारी इस ईद को, ईद के जो फेस्टिवल वगैरह थे इसको ना, ये बहुत यहाँ पे इस अच्छा लगता है। स्टॉल लगे हुए थे, ज्वेलरी के 1-2 स्टॉल था, बाकी जो थे ये अच्छा, जो कप के जो केक या कप केक घर से बना के और जो सेल करती हैं बच्चियाँ, ये उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे। मेहंदी भी लग रही थी, बच्चों के फेस पेंटिंग भी हो रही थी, मतलब हर तरह की एक्टिविटी रखी हुई थी ताकि बच्चे बोर ना हो यहाँ पे आके। तो बस तकरीबन 3-4 घंटों के लिए था, उसके बाद जो है फिर ये ख़त्म हो गया, फिर तकरीबन 8:30 तक आई थिंक था, 8-8:30 तक। तो बस उसके बाद फिर हम लोग भी घर आ गए। यहाँ पे इन्होंने ना कुछ कूपन वगैरह भी दे रहे थे, इनका जो अंदर हॉल था ना वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चेयर्स भी लगाई हुई थी, और सब लोग अंदर इकट्ठे हुए थे और दीन की भी बातें कर रहे थे, और कुछ इन्होंने प्राइज़ भी निकले हैं लोगों के, जैसे इन्होंने जो हमें कूपन अंदर जाते वक्त देखे थे उस पर नंबर थे, तो वो नंबर से फिर इन्होंने लोगों के प्राइज़ निकले हैं, किसी की कॉफ़ी मशीन निकली थी, किसी का क्या, किसी का 8-10 इन्होंने गिफ्ट लोगों को दिए। तो बाकी उसके बाद ये भी थोड़ा सा म्यूज़िक है, आप इसको एंजॉय करें, इसके बाद आपके साथ आगे व्लॉग जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। Thank you.
इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़र होंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, गुल्ज लाइफ स्टाइल सेम चैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। कोई बात पूछनी हो आप मुझसे उस पर बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।